हाय दोस्तों, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट पावर, जो कि रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। ये एक मूवी है जिसकी ओवरऑल लेंथ करीब 1 घंटे 53 मिनट की है। इसमें हमें नजर आते जेमी फॉक्स, जोसेफ गॉर्डन और डोमिनिस फिशबैक। मूवी की कहानी शुरू होती है न्यू ऑरलियंस सिटी से, जहां पर एक पिल बिक रही है, यानी कि आप कह सकते हैं गोली बिक रही है, जिसे खाने के बाद इंसानों के अंदर सुपर पावर्स आ जाती है। लेकिन ये पावर सिर्फ 5 मिनट तक ही रहती है, और इस गोली का एक साइड इफेक्ट है, वो ये है कि अगर इसको ज्यादा खा लोगे तो आप ओवरडोज से मर जाओगे। के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यार काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे, लेकिन उतनी ही सिंपल स्टोरी भी है। अगर आप लोग हॉलीवुड मूवीज के बहुत बड़े फैन हो, तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखने को नहीं मिलेगी। एक ऑर्डिनरी हॉलीवुड मूवी है, जहां पर आपको वीएफएक्स के थ्रू काफी एक्शन सीन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। खैर, इससे पहले हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पर एटलीस्ट उन लोगों ने दो कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, या तो आप ये भी कह सकते हो उनके ऐसे इमोशनल साइड्स आपको बताया कि आप उस चीज की वजह से आप उनसे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पाते हो। फिर बात करेंगे इस मूवी में एक्शन की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी मूवी का। तो यहाँ पर हमें हर एक एक्शन सीन्स में वीएफएक्स का यूज बहुत ही ज्यादा बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्शन अच्छा है देखने में, लेकिन उसमें कुछ नयापन नहीं है। यानी कि इस तरीके के एक्शन आपने कई हॉलीवुड मूवीज में देख चुके, लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी लगती है, वो है इसके वीएफएक्स बहुत ही कमाल के किया गया और टॉप नॉच के वीएफएक्स है। उसके अलावा बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर डोमिनिस फिशबैक, उस लड़की का काम मुझे ज्यादा अच्छा लगा। उसने अपने परफॉर्मेंस से काफी कुछ इम्प्रेस भी किया, और काफी कुछ सीन्स ऐसे थे जहां पर आपको हंसी भी आती है और थोड़ा इमोशनल भी फील करते हो। उसके अलावा जेमी फॉक्स तो अच्छे एक्टर है ही। इसके अलावा मेकर्स ने एक चीज की जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि आपको बीच बीच में कुछ फनी डायलॉग्स और कुछ फनी रैप्स सुनने को मिल जाएगा, जो कि आपका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे इस मूवी के साथ। उसके इस मूवी में अगर हिंदी डबिंग की बात करें, तो वो तो बहुत ही वाहियात है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता इसके पीछे जो भी स्क्रिप्ट राइटर्स है वो लोग हमारी बॉलीवुड मूवीज के नाम या एक्टर्स के नाम को क्यों बताते हैं यार। क्योंकि हम लोग को खुशी नहीं होती है कि कोई हॉलीवुड मूवी में हमारे एक्टर्स का नाम आ रहा है, हमारी मूवीज का नाम आ रहा है, क्योंकि हम लोग को इतना तो मालूम है कि वो जो डबिंग कर रहे हैं वो इंडियन लोग ही है। तो इससे कोई प्राउड मूवमेंट वाली बात है नहीं, तो यार क्यों इस तरीके की चीजें करते हो। और गली बॉय को खत्म करो यार, जब भी कोई मूवी में अगर कोई रैप सॉन्ग है या कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर एक्टर रैप सॉन्ग गा रहे, तो वहां पर गली बॉय का रेफरेंस देना जरूरी समझते हो क्या? ये मुझे चीज अभी तक समझ में नहीं आई। ओवरऑल ये मूवी एक फैमिली के साथ बैठ के देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप लोग पूरी तरह से मूवी में घुस जाते हो, आप लोग एक एक चीज बारीकी से देखते हो, तो आपको बहुत सारी जगह पे यहाँ पर फ्लॉज देखने मिल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा कि मूवी को मूवी की तरह रखिए, ये मूवी देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए, क्योंकि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद इस मूवी को आप लोग देखना पसंद करोगे। तो मेरे हिसाब से ये एक वॉचेबल मूवी है, एंजॉय कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग अपने थॉट्स मुझे जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग सबका इंतजार करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से दुआ में याद रखना।